रामकृष्ण परमहंस बचपन और साधना। बंगाल की पवित्र धरती पर सन 1836 में रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी आत्मा में असाधारण दिव्यता थी। बचपन से ही भगवान में उनकी गहरी आस्था थी। वे घंटों मंदिर में बिताते, देवी देवताओं की पूजा करते और भक्ति में लीन रहते। प्रकृति उनके लिए खुली किताब थी। पेड़ पौधे, नदियां और पहाड़ उनके लिए ईश्वर के जीवंत रूप थे। स्कूल की पढ़ाई में उनका मन कम लगता था। वे अक्सर कक्षाओं में ध्यानमग्न रहते और आध्यात्मिक विचारों में खो जाते। उनकी रुचि भक्ति और साधना में ज्यादा थी। वे नियमित रूप से पूजा पाठ करते और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते। जवानी से पहले ही उन्होंने ध्यान और तपस्या शुरू कर दी थी। वे प्रातःकाल नदी किनारे बैठकर ध्यान करते और आत्मा की शांति का अनुभव करते। उनकी सच्ची भक्ति ने सबको मोहित कर लिया। गांव के लोग उनकी साधना और भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे। रामकृष्ण को बचपन से ही अलौकिक अनुभव होने लगे थे। वे दिव्य प्रकाश और देवी देवताओं के दर्शन करते थे। वे देवी देवताओं को खुद देखते थे। उनके ये अनुभव उन्हें और भी गहरे आध्यात्मिक मार्ग पर ले गए। ईश्वर को पाने की उनकी खोज उन्हें अलग अलग धर्मों की ओर ले गई। वे विभिन्न धर्मों के अनुयायियों से मिलते और उनके धार्मिक अनुभवों को समझते। उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म का भी गहरा अध्ययन किया। वे कुरान और बाइबल के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करते और उनके संदेशों को आत्मसात करते। उन्होंने अनुभव किया कि सभी धर्मों का मकसद एक ही है, ईश्वर को पाना। उनके लिए धर्म का सार एकता और प्रेम में था। रामकृष्ण का जीवन सादगी और त्याग की मिसाल था। वे साधारण जीवन जीते और भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहते। उनका मानना था कि ईश्वर को पाना दिखावे से नहीं बल्कि अंदर की पवित्रता से होता है। वे आत्मा की शुद्धता और सच्ची भक्ति पर जोर देते थे। वे कहते थे, जितने मत उतने पथ। उनके अनुसार हर व्यक्ति का अपना मार्ग होता है, लेकिन सभी मार्ग ईश्वर की ओर ही जाते हैं। उनका यह वाक्य धार्मिक सहिष्णुता का बहुत बड़ा संदेश देता है। उन्होंने सिखाया कि सभी धर्मों का सम्मान करना और एक दूसरे के विश्वासों को समझना ही सच्ची मानवता है। मां काली के लिए अटूट भक्ति। यह भक्ति केवल एक साधारण पूजा नहीं थी, बल्कि एक गहरी आत्मीयता और समर्पण का प्रतीक थी। रामकृष्ण परमहंस की मां काली के लिए अटूट भक्ति थी। वे मां काली को केवल एक देवी नहीं बल्कि अपनी सच्ची मां मानते थे। वे उन्हें अपनी मां ही मानते थे। उनके लिए मां काली ही सब कुछ थी, उनकी जीवन की हर समस्या का समाधान। उनकी भक्ति में एक अद्भुत मिठास और गहराई थी। यह भक्ति उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी, जहां केवल मां और उनका प्रेम था। वे घंटों मां की मूर्ति के सामने बैठे रहते और उनसे बातें करते। यह बातें केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी बल्कि एक आत्मीय संवाद था। उनका मानना था कि मां ही सब कुछ है, दुनिया की रचयिता और पालनहार। वे मां काली को अपने जीवन का आधार मानते थे। एक बार की बात है, जब रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर मंदिर में मां काली की पूजा कर रहे थे, उस समय उनकी भक्ति चरम सीमा पर थी। वे पूरी तरह से मां काली में लीन हो गए थे, जैसे कि वे इस दुनिया से परे हो गए हों। अचानक उन्हें लगने लगा कि मां की मूर्ति में जान आ गई है। यह अनुभव उनके लिए एक दिव्य दर्शन था। मां ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और उनके सारे पाप धो दिए। यह अनुभव इतना गहरा और अद्वितीय था कि वे इसे कभी नहीं भूल सके। यह अनुभव इतना गहरा था कि वे घंटों बेसुध पड़े रहे। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मां काली के लिए अपनी अटूट भक्ति के कारण ही रामकृष्ण परमहंस को काली का दीवाना भी कहा जाता था। उनकी भक्ति ने उन्हें एक विशेष पहचान दी। वे सभी को मां की शरण में जाने की प्रेरणा देते थे और कहते थे कि मां ही सभी दुखों को दूर करने वाली हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को मार्गदर्शन देती हैं। उनका यह संदेश आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रामकृष्ण परमहंस की भक्ति और शिक्षाएं आज भी जीवित हैं
और लोगों को प्रेरित करती हैं। शिष्य रूपी रत्न गुरु से मुलाकात। एक दिन किस्मत एक युवा नरेंद्रनाथ दत्त को रामकृष्ण परमहंस के पास ले आई। नरेंद्र एक तेज और जिज्ञासु युवक थे जो ईश्वर के होने पर सवाल उठाते थे। रामकृष्ण ने नरेंद्र में एक दिव्य ज्योति देखी। रामकृष्ण ने नरेंद्र को अपना शिष्य बनाया और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान का रास्ता दिखाया। उनकी मुलाकात भारतीय स्पिरिचुअलता के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। यह गुरु शिष्य की अनोखी जोड़ी थी जिसने दुनिया को एक नई दिशा दी। नरेंद्र से विवेकानंद ज्ञान की राह पर। रामकृष्ण की संगति में नरेंद्र का जीवन बदल गया। वे स्वामी विवेकानंद बन गए। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद स्वामी जी ने अपने गुरु के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया। स्वामी विवेकानंद पूरे भारत की यात्रा की और यहाँ की गरीबी और अनौलेजता को देखा। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने कंट्री वासियों को जगाएंगे और उन्हें आत्मविश्वास और गर्व का मंत्र देंगे। दुनिया में भारतीय आध्यात्म का प्रसार। सन कुमकुम सामिदी की 1899 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए वर्ल्ड धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। उनके ओजस्वी भाषण ने पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचा। वे पश्चिम को वेदांत और योग के ज्ञान से परिचित कराना चाहते थे। स्वामी जी ने अमेरिका और यूरोप में कई सालों तक प्रवचन दिए और भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का प्रचार किया। उन्होंने पश्चिम को बताया कि भारत केवल एक गरीब और पिछड़ा देश नहीं है, बल्कि यह ज्ञान और आध्यात्म का भी केंद्र रहा है। धर्म और विज्ञान, दो पहलू, एक सच। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि धर्म और विज्ञान में कोई विरोध नहीं है, वे दोनों ही सत्य की खोज करते हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान धर्म का सबसे बड़ा सहायक है। वे धार्मिक अंधविश्वास और कायदों के ऑपोजिशनी थे। स्वामी जी ने यह भी बताया कि वेदांत के सिद्धांत आधुनिक विज्ञान से मिलते जुलते हैं। उनका यह नजरिया आज भी प्रासंगिक है जब विज्ञान और तकनीक का बोलबाला है। इंसान की सेवा ही ईश्वर की सर्विस। स्वामी विवेकानंद ने गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा पर जोर दिया। उनका मानना था कि गरीबों और पीड़ितों की सेवा करना ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। उन्होंने कहा, बीइंग ही शिवा है। उन्होंने युवाओं को देश की सेवा के लिए आगे आने का आह्वान किया। उनका यह संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपने समाज के लिए कुछ करें। शिक्षा का मकसद, चरित्र बिल्डिंग। स्वामी विवेकानंद शिक्षा को इंसान बनाने का बहुत बड़ा जरिया मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा का उद्कंठ्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण भी होना चाहिए। वे ऐसी शिक्षा चाहते थे जो हमें आत्मनिर्भर और कैरेक्टरवान बनाए। वे प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रशंसक थे, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा का खास इंपॉर्टेंस था। वे चाहते थे कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल किया जाए। रामकृष्ण मिशन सेवा और समर्पण की एग्जाम्पल। स्वामी विवेकानंद ने 1899 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह संस्था रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों और एजुकेशनों को आगे बढ़ाने का काम करती है। यह संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। रामकृष्ण मिशन आज पूरी दुनिया में अपनी शाखाएं स्थापित कर चुका है और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। यह संस्था मानवता की सेवा के लिए समर्पित है और सभी रिलीजनों का समान फॉर्म से सम्मान करती है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत, स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंद युवाओं की तरफ खास तौर से आकर्षित थे। वे उन्हें देश का भविष्य मानते थे। उन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास, मजबूत इरादा और देश प्रेम का संदेश दिया। उनका प्रसिद्ध कथन, उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए, आज भी युवाओं को प्रेरित करता है।
स्वामी जी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी ताकत को पहचानें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। उनका मानना था कि युवा ही देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। दूरदर्शी समाज सुधारक जिनका दृष्टिकोण और कार्य आज भी प्रासंगिक हैं। स्वामी विवेकानंद केवल एक आध्यात्मिक गुरु ही नहीं थे बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने स्त्री शिक्षा, जाति प्रथा और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। वे मानते थे कि शिक्षा ही समाज को बदलने का सबसे सशक्त माध्यम है और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। वे सभी को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। वे सभी को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। उन्होंने समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने कहा कि जब तक देश की नारी का उत्थान नहीं होगा, तब तक देश का उत्थान संभव नहीं है। नारी सशक्तिकरण के बिना समाज का विकास अधूरा है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में ही बहुत कुछ कर दिखाया। उनके कार्यों ने समाज में एक नई चेतना का संचार किया। उनका व्यक्तित्व और उनके विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। उनके आदर्शों पर चलकर हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर हम एक सुंदर और सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं।